देखो ये उसी मानसिकता के लोग हैं कि किसान तो खेत में धूप में रहें, उसे ना पंखा मिले ना हो ऐसो आराम की ज़िंदगी, जिससे कि वो गरीब रहें, हम फसलों के दाम ना मिले, हम गरीब रहें, इनके लिए अनाज उगाते रहें, ये मानसिकता उन लोगों की है। लोग गाड़ियाँ देते हैं और पीछे से आवाज़ आती है कि जैसे पूरा यहाँ पे भीड़ हो, और वे कहते हैं नहीं नहीं सात नंबर से कॉल करो, सात से, वो कह रहा नहीं मैं दूसरे से कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कितने नंबर हैं कि जिनसे ये गालियाँ देने का काम करते हैं। जाएंगे हम वहाँ पे, जो जो आएंगे उनके घर जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। मानसिकता दर्शा दी कि किसानों के साथ में हम ये करेंगे, सड़क पे घेर के उनको घसीटेंगे, उनकी पगड़ी उछालेंगे और उनको घसीटने का काम करेंगे। आंदोलन सब शामिल, कुछ पार्टी के नेताओं के ऐसे बयान आते हैं किसानों को मवाली कहा जाता है, जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें किसान नहीं माना जाता। ना माना तो क्या आपके साथ जो लोग हैं इनके पास खेती नहीं है? ना ये तो सब खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं सारे, उनकी मानसिकता है कि इन्हें गाली गलौज करके ये करके हताश करके इनको भगा दो। किसान हारेगा या लड़ता रहेगा? किसान तो लड़ता रहे, अगर जवान सीमा पे हार के वापसी आया कभी, या तो कफन में लिपट के आया या वो छुट्टी पाया अपना। वैसे आंदोलन बाहुबल से जीता या बुद्धिबल से? ये आंदोलन तो भाई धरने से जीता जाएगा, ना बाहुबल की जरूरत ना बुद्धि की, इनमें बैठ कर रोटी खाओ। भाई पता नहीं क्या कह दिया होगा किसी ने, उनके तो घर जाएंगे हम वहाँ पे, जो जो आएंगे उनके घर जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अच्छा, अरे पंचायत का उद्देश्य क्या है? अगर पंचायत का उद्देश्य आंदोलन है, आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में, तो पंचायत होगी, अब शुरू होगी पंचायत, दोबारा से शुरू होगी। हाँ पंचायत शुरू होगी। नहीं नहीं सब आंदोलन में सब शामिल है, संयुक्त मोर्चे से अलग, आंदोलन में सब शामिल है। दरार पड़ गई क्या? नहीं नहीं कोई मोर्चे में कोई दरार नहीं। सब 5 सितंबर अगले महीने मोदी जी एयरपोर्ट पर शिलान्यास अगले महीने। हाँ तो वो तो एयरपोर्ट यहाँ बनना होगा तो करेंगे, उसमें हम क्या करें बताओ। आपने शुरुआत कर दी है यहाँ पे पंचायत? हाँ तो पंचायत तो होगी यहाँ पे। तो क्या बड़ा होने वाला है? 5 सितंबर को ही बताएंगे, वहीं उससे पहले नहीं बतानी चाहिए कोई भी चीज़। वो संयुक्त मोर्चे का फैल की ओर से जो एक कार्टून बनवाकर ट्वीट किया गया, वो उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शा दी कि किसानों के साथ में हम ये करेंगे, सड़क पे घेर के उनको घसीटेंगे, उनकी पगड़ी उछालेंगे और उनको घसीटने का काम करेंगे, ये उन्होंने अपना मानसिकता। हम अगर गन्ने का भुगतान मांगेंगे, हम गेहूं का भुगतान मांगेंगे, हम मूंग के रेट मांगेंगे, तो किसानों का ये इलाज करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है उसमें। आप लखनऊ गए, हाँ उसके बाद गए, कैसा महसूस कर रहे हो लखनऊ? लखनऊ तो ठीक है, लखनऊ हमारा है, लखनऊ किसी की बाप की जागीर है, लखनऊ हमारा है, लखनऊ देश के किसानों का है। लखनऊ में आंदोलन कब शुरू होगा? अभी मीटिंग तय होगी सब 5 सितंबर के बाद। अच्छा, एमएसपी घोटाला आया है सामने, रामपुर एक ही जिले का अभी दिया, यही तो घोटाला है। जो मंसूरी धान रामपुर में पैदा ही नहीं होता और सबसे ज्यादा खरीद उसी की होती है, क्योंकि बिहार से और मुझे उनका नाम बताओ कि जिनको ऐसी से एलर्जी है, वो नाम बताओ। कुछ लोग आपकी फोटो वायरल करके वो आपत्ति जताते हैं कि किसान ऐसी में क्यों लेगा? हाँ यही देखो, ये उसी मानसिकता के लोग हैं कि किसान तो खेत में धूप में रहें, उसे ना पंखा मिले ना हो ऐसो आराम की ज़िंदगी, जिससे कि वो गरीब रहें, हम फसलों के दाम ना मिले, हम गरीब रहें, इनके लिए अनाज उगाते रहें, ये मानसिकता उन लोगों की है। पहले कार्टून ट्वीट करना, फिर एक फेक मैसेज फैलाना आपके खिलाफ, क्या मान रहे बोखला गई अब पता नहीं सरकार क्या। तो भाई बहुत फंड है उनके पास में इस काम करने के लिए, बहुत फ़ोन आते हैं, लोग गाड़ियाँ देते हैं और पीछे से आवाज़ आती है कि जैसे पूरा यहाँ पे भीड़ हो, और वे कहते हैं नहीं नहीं सात नंबर से कॉल करो, सात से, वो कह रहा नहीं मैं दूसरे से कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कितने नंबर हैं कि जिनसे ये गालियाँ देने का काम करते हैं। अपने चैनल की पत्रकार को प्रिंसिपल बोल दिया सरकार का? प्रिंसिपल भाई वो तो सीनियर पोस्ट होती है, प्रिंसिपल कोई छोटी पोस्ट होती है क्या? तो भाई प्रिंसिपल को नहीं। आपका आंदोलन पूरे देश में है, कुछ पता पत्रकार पश्चिमी नीति का बनाना चाहते हैं।
वो तो सरकार की पॉलिसी है कि इसको बिल्कुल पश्चिम का बता के इसको मुझे पनकार कर एक गांव का बताना शुरू कर देंगे। सितंबर उनके उनकी मानसिकता ऐसे पत्रकारों की मानसिकता ठीक है। महंगाई भी आपका मुद्दा, लेकिन मंत्री सब है सब महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं अजा बढ़ाई नहीं कुछ रहे। 5 सितंबर यूपी सरकार या दिल्ली सरकार एक बड़ी रणनीति की बात। नहीं नहीं 5 तारीख को आंदोलन में फैसला होगा कि आंदोलन कैसे चलेगा, कैसे इसकी रूपरेखा बढ़ेगी, सारी चीज़ों का फैसला होगा, पूरा संयुक्त मोर्चा रहेगा, वो जो भी तय होगा वहाँ पर करेंगे। सर आपने बताया चटोली जी क्यों